नजरे बद की अलामात और इसका इलाज। नजरे बद एक बहुत बड़ा मसला है। नजरे बद जब लगती है इंसान को पहाड़ों से गिरा सकती है, यानी मौत तक पहुंचा सकती है, कब्र तक पहुंचा सकती है और जानवर को हंडिया तक पहुंचा सकती है। नजरे बद बड़ी खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं, अहादीस में बताई हैं, जिनसे पढ़ने से इंसान नजरे बद के शर से बच जाता है, नजरे बद से महफूज रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नेमतों को छुपाया करो। क्यों? हर नेमत रखने वाले के साथ हसद किया जाता है, हसद होता है, नजरे बद होती है, जिसकी वजह से मसाइल बहुत ज्यादा बनते हैं। अलामात के लिहाज से कुछ चीजें होती हैं जो यानी चीजों में नजरे बद लगती है। किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई चीज है, मैंने कोई चीज खरीदी है, उसको नजर लगी, उसका नुकसान हो गया। फिर कुछ इंसानों को नजर लगती है। बेसिकली होती नजरे बद उसी बंदे को लगती है और बंदे की चीज को लगती है। मसलन मैंने कोई कार खरीदी है तो कार को नजरे बद मेरी वजह से लगेगी, क्योंकि वो खूबसूरत लग रही है और वो मैंने खरीदी है, और लोगों को पता चलेगा कि मैंने ये कार खरीदी है, तो वो नजरे बद, दोनों नजरे बद का शिकार हो सकते हैं। बहरहाल, नजरे बद की अलामात में जो इंसानों को लगती है उसमें चेहरे का जर्दी माइल कलर हो जाना। हम कहते हैं अक्सर, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा जर्द क्यों हुआ है, तो वो जो अलामत होती है वो एक तरह से नजरे बद की अलामात में आती है। फिर चेहरे पर धब्बे से आ रंग के पड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरह की अहादीस साबित हैं। एक बच्ची को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा घर में कि उसके स्याह धब्बा पड़ा हुआ है चेहरे पे, या किसी कलर का धब्बा पड़ा हुआ है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको नजर लगी है, और बाज ने लिखा है कि इसको जिन की नजर लगी है, तो इसको सूरह फलक नास से दम करो, सूरह फलक नास पढ़ के दम करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से फरमाया। फिर इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया, एक बच्ची को देखा जिसका चेहरा जर्द हो चुका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको नजर लगी, इसको दम करो। फिर इसी तरह से नजरे बद की एक बड़ी अलामत यह है कि एक अचानक ये होती है असरअंदाज, यानी अभी लगी और अभी असरअंदाज होगी। तो नजरे बद की ये अलामत में चीजें आती हैं कि वो अचानक असरअंदाज होती है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल बनते हैं। इलाज क्या करना है? इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीकों के इलाज बताए हैं कि जिसकी नजर लगी है उससे उसके गुसल का पानी लेके, उसके वजू का पानी, यानी गुसल एक तरह से होता है, उसका पानी लेके उसको अपने ऊपर बहा लिया जाए जिसको नजर लगी है, तो वो नजरे बद का असर खत्म हो सकता है। लेकिन आजकल ये मुमकिन नहीं है, किसी की नजर लगी अगर आप उसको कहेंगे तो वो सीधे सीधे लड़ाई है, तो इसलिए हम किसी को नहीं कहेंगे बल्कि खुद इलाज पर जाएंगे। और खुद इलाज क्या करेंगे? हिफाजती पढ़ाई, सूरह फातिहा, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत, आखिरी तीन कुल, इनको 21-21 मरतबा पढ़ लेंगे, पानी पर दम कर लेंगे, पानी पियेंगे भी, पानी से नहा भी लेंगे, नहाने वाले पानी में मिला के नहा भी लेंगे, तो इंशाल्लाह नजरे बद का असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ एक दुआ शामिल करनी है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मातिन कुल्ली शैतान हम्मातिन कुल्ली निल्लामा, ये वाली दुआ भी 21 मरतबा पढ़ें। ये बहुत ज्यादा मैंने इसको देखा है कि जो बंदा नजरे बद का बहुत ज्यादा शिकार होता हो वो ये पढ़ाई शुरू कर दे तो अल्लाह की रहमत से अगर पहले लगी है तो वो भी असर खत्म हो जाता है और दोबारा भी अल्लाह ताला उसको शर से महफूज रखते हैं।